कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में एंट्री कर चुकी है। अपनी एंट्री के साथ ही राहुल गांधी ने ये मैसेज दे दिया है कि वो यहाँ इंडिया गठबंधन की अपने सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। बंगाल में आने के बाद राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, हम आपकी बात सुनने आए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। इसी दौरान उन्होंने इशारों में संदेश देते हुए कहा कि इस अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पश्चिम बंगाल में एंट्री ले ली है। हालांकि इंडिया गठबंधन के कले जुड़े कांग्रेस के पूर्व प्रमुख का स्वागत हरगिज भी उस अंदाज में नहीं हुआ जैसे उन्होंने सोचा होगा। राहुल गांधी की यात्रा के बंगाल में प्रवेश करने के बाद कुछ बिहार में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफिले को पोस्टर दिखाए जिसमे लिखा था, बंगाल में दीदी काफी है। मालूम हो कि टीएमसी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सहयोगी है, लेकिन बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खटास भरी खबरें आती रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुबह 9 बजे कुछ बिहार से पश्चिम बंगाल में दाखिल हो चुकी है। यहां 11:15 बजे राहुल गांधी की सभा होगी, जिसके बाद दोपहर में कुछ बिहार में ही यात्रा विश्राम करेगी। आज यानी गुरुवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हॉल्ट अलीपुरद्वार जिले में होगा। आगामी लोकसभा चुनावों के लिहाज से विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल एक मजबूत किला है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और ये दल इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी भी है। हालांकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बंगाल सीट बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। ऐसे में इस लिहाज से भी राहुल गांधी की यात्रा पर विशेष नजर होगी। राहुल गांधी के संबोधन और बंगाल में उठाए जाने वाले मुद्दों से भी काफी हद तक इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और उसमें तृणमूल कांग्रेस की स्थिति साफ होगी। 15 राज्यों के 6700 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यानी गुरुवार को पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा ने असम से होते हुए कुछ बिहार के जरिए पश्चिम बंगाल में एंट्री की है। कुछ बिहार में ही राहुल गांधी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। 11:15 बजे वो रैली को संबोधित करेंगे।